हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री चैप्टर 1 द मिडिवल पीरियड। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन काल, मिडिवल मीन्स मध्यकाल और मॉडर्न मीन्स आधुनिक काल। तो क्लास 7 में आप लोगों को मिडिवल पीरियड पढ़ना है, 6 क्लास में आप लोगों ने एंशियंट पीरियड पढ़ा और अब आपको मिडिवल पीरियड पढ़ना है। तो मिडिवल पीरियड को दो फेज में बांटा गया है, द अर्ली मिडिवल पीरियड और द लेटर मिडिवल पीरियड। तो अर्ली मिडिवल पीरियड जो है वो 8 से 13 सेंचुरी तक, यानी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे अर्ली मिडिवल पीरियड कहा गया, और जो लेटर मिडिवल पीरियड है उसे 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक के समय को लेटर मिडिवल पीरियड माना गया है। तो अर्ली मिडिवल पीरियड के हिस्ट्री में कई जो पावर जो थे, कई जो शक्ति जो थी, यानी कि रीजनल किंगडम्स की जो शक्तियाँ थीं, तो एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए स्ट्रगल करती रहती थी, एक दूसरे से युद्ध करती रहती थी, और बार बार युद्ध के कारण इन किंगडम्स का, इन जो ये जो रीजनल किंगडम्स थे, क्षेत्रीय जो राज्य थे, उनका ह्रास हुआ, उनका पतन हो गया। तो इन्हीं में से एक शक्तिशाली किंगडम था राजपूत किंगडम नॉर्थ में, और साउथ में एक था चोल किंगडम। ये तो था अर्ली मिडिवल पीरियड। अब लेटर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ था? तो लेटर मिडिवल पीरियड में कई जो मुस्लिम कंक्वेरर्स थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से कई जो मुस्लिम जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, और यहाँ से कुछ लोग यहीं पे रह गए और कुछ लूटने के लिए भी आए थे, इंडिया को लूट करके चले गए, और कुछ लोग यहीं आकर के यहीं पे बस गए, उन्होंने यहाँ पे अपना राज्य शुरू कर दिया। तो इन्हीं में से तुर्क, अफ़गान और मुग़ल थे। तो इसमें हमें पावरफुल मुस्लिम डिनेस्टीज़ देखने को मिलती है, जिसमें कि खलजी, तुगलक और मुग़ल्स थे। उनके शासन के अंडर में जो इस्लामिक कस्टम था, यानी जो इस्लामिक रीति रिवाज जो थे, तो उनका इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और इसके कारण एक यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर का ग्रोथ हुआ। एक इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी कि इंडिया का भी जो कल्चर था उस पर इस्लामिक प्रभाव पड़ा, और उसमें जो चेंजेज आए तो दोनों का कल्चर जो था वो मिक्स हो गया, इसी को हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहेंगे। तो जब 15 सेंचुरी का जब इंड हुआ, तो उस टाइम यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, तो वो इंडिया के साथ डायरेक्ट व्यापार करने के लिए आने लगे, और इनमें से जो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगीज, जिनको हिंदी में पुर्तगाली कहेंगे, तो पुर्तगीज लोग जो थे वो सबसे पहले इंडिया आए। पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति वास्को डी गामा, जिसको कि बोला जाता है कि भारत की उसने खोज की, लेकिन भारत कहीं खो नहीं गया था कि भारत की कोई खोज करेगा, भारत तो वहीं था जहां अभी है। तो भारत आने के लिए वास्को डी गामा ने रास्ते की खोज की थी, और सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया यहाँ व्यापार के मकसद से, और उसके बाद फिर अंग्रेज आए, डच आए और फ्रेंच आए। तो मिड 17 सेंचुरी में फ्रेंच और इंग्लिश जो थे एक दूसरे के राइवल ट्रेडिंग बन गए, इनकी जो थे व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी बन गए, व्यापार के लिए दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती रहती थी, झगड़ा होते रहता था, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और चाहते थे कि वो ज़्यादा लाभ कमाएं। इसके बाद मिड 18 सेंचुरी में
अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इंडिया में वो पॉलिटिकल फोर्स में आ गए, यानी कि इंडिया की राजनीति में भी वो अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह से इंडिया की जो पॉलिटिकल जो चीज़ थी उसको अपने कब्जे में कर ली। और यही जो था ये इंडिया में मॉडर्न पीरियड का बिगनिंग था।